शीला रावल का बड़ा खुलासा, बलूच नेता करेंगे पाकिस्तान का पर्दाफाश, बलूचिस्तान की दर्दनाक दास्तान। एबीपी न्यूज आज कर रहा है पाकिस्तान के आतंक का पर्दाफाश। जिस बलूचिस्तान में पाकिस्तान ने जुल्म ढाया है उसकी आज पोल खोलेगी हमारी संवाददाता शीला रावल ने। विदेशों में रह रहे बलूचिस्तान के लोगों को खोज निकाला है और उन्होंने खोली है पाकिस्तान के पोल कि किस तरह से बलूचिस्तान में डर और खौफ का राज है। एबीपी न्यूज के कैमरे पर बलूचिस्तान के बड़े नेता आज बोलेंगे। बराहम दग बुख्ती, मेहरान मर्री जैसे बड़े नेता सुनाएंगे पाकिस्तानी फौज और आतंकवादियों के कनेक्शन की कहानी। एबीपी न्यूज पर बलूचिस्तान के वो बड़े नेता हैं जो अपने घर छोड़कर विदेशों में शरणार्थियों की जिंदगी जीने को मजबूर हैं। कि जिनके अपने घर शीशे के हों उन्हें दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। जरा एक बार बगल में झांक कर देख लें क्या हो रहा है बलूचिस्तान में और वो खुद क्या कर रहे हैं वहां। मैं कह सकती हूं यहां के आज जो बलूचिस्तान में हो रहा है वो यातनाओं की पराकाष्ठा है। देश की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने संयुक्त राष्ट्र में दुनिया को बताया कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान किस तरह से जुल्म ढा रहा है, बलूचों का खून बहाया जा रहा है, बलूच नेताओं की हत्या की जा रही है। पिछले कुछ दिनों से बलूचिस्तान के लोगों ने, गिलगित के लोगों ने, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोगों ने जिस प्रकार से मेरा आभार व्यक्त किया है, जिस धरती को मैंने देखा नहीं है, जिन लोगों को विषय में मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन ऐसे दूर सुदूर बैठे हुए लोग हिंदुस्तान के एक प्रधानमंत्री को अभिनंदन करते हैं। बलूचिस्तान में पाकिस्तान के जुल्मों सितम की हजारों कहानियां हैं। ऐसे ही कुछ दर्दनाक कहानियों पर से आज पर्दा उठाएंगी एबीपी न्यूज रिपोर्टर शीला रावल। इस समय स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में संयुक्त राष्ट्र महासभा के बाहर हूं। इसी यूएन के मुख्यालय में पाकिस्तान सारी दुनिया के सामने झूठ का खेल खेल रहा है। कश्मीर के नाम पर सारी दुनिया को बरगलाने की नाकाम कोशिश कर रहा है। आतंक को फैलाने वाला देश आतंक के शिकार होने का रोना रोता है और इसी के नाम पर अपनी ध्वस्त हुई अर्थव्यवस्था को जिंदा रखने के लिए दुनिया से भीख मांगता है। जो देश आतंक का गढ़ बन चुका है वो देश किस तरह यूएन में दुष्प्रचार कर रहा है, एबीपी न्यूज उसे आज बेनकाब करेगा। पाकिस्तान के अत्याचार की आंखों देखी सुनाएंगे बलूचिस्तान के बड़े नेता। ये वो नेता हैं जो पाकिस्तान की नजर में मोस्ट वांटेड हैं, लेकिन ये लोग बलूचिस्तान की आजादी की लड़ाई पूरी दुनिया से लड़ रहे हैं। मेरा पूरा नेशन बलूच कौम पाकिस्तान के साथ रहना नहीं चाहता। वो एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म है, एक्सपोर्टर ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स है, एक्सपोर्टर ऑफ टेररिस्ट है, एक्सपोर्टर ऑफ ड्रग्स है। मतलब जो भी खराबी इस रीजन में और दुनिया में वो फैलता पाकिस्तान से। पाकिस्तान एक ऐसा कैंसर है जो इन्फ्लुएंजा जैसे फैल रहा है। हमारे घरों पर बमबारी की गई, इनडिस्क्रिमिनेट बमबारी की गई। हम बच्चों के साथ छोटे मोटे जो भी थे सामान वगैरह सब कुछ घर बार बिल्कुल वैसे छोड़ कर हम अपने बच्चों के साथ अपने औरतों के साथ निकल गए। तकरीबन 6 महीने तक उन्होंने मुझे एक अंधेरे कमरे में रखा है, तो पूरे 6 महीने के दौरान मेरे आंखें बंद थी और मेरे हाथ पीछे हर वक्त बांधे रहते थे। पाकिस्तान के कब्जे से पहले बलूचिस्तान में बड़ी आबादी शिया मुसलमानों की थी, लेकिन पिछले 10 सालों में पाकिस्तानी सेना करीब 20,000 बलूचों को मार चुकी है। पाकिस्तान जानबूझकर यहां पंजाब और दूसरे इलाकों से लाकर लोगों को बसा रहा है। नतीजा यह हुआ है कि बलूचिस्तान में बलूच लोग ही अल्पसंख्यक हो गए हैं। बड़ी आबादी अब सुन्नी मुसलमानों की हो गई है। बलूच ताकतवर ना हो जाएं इसलिए पाकिस्तानी सेना यहां अत्याचार करती है। सरकार की ओर से सेना को भी वहां जुल्म ढाने की छूट मिल गई है। बलूचों को जान से मारना और उनके घरों को जलाकर राख कर देना यहां आम बात है।
27 मार्च 1948 को पाकिस्तान ने फौज और हथियार के दम पर बलूचिस्तान को अपने में मिला लिया। पाकिस्तान के लिए बलूचिस्तान सोने की चिड़िया है, क्योंकि पूरे पाकिस्तान का एक तिहाई प्राकृतिक गैस यहीं से निकलता है। तेल की भी बड़े भंडार यहां मौजूद हैं। सैकड़ों खानों से यहां सोना निकाला जा रहा है। तांबे के भी बड़े भंडार हैं। यूरेनियम भी यहां की धरती में पाया जाता है। बलूचिस्तान की जिस खनिज संपदा से पाकिस्तान और चीन अरबों डॉलर कमा रहे हैं, वही बलूचिस्तान सबसे पिछड़ा इलाका भी है। पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर पर पूरी दुनिया से झूठ बोलता है, लेकिन जब बात बलूचिस्तान की होती है तो वो उसे अपना अंदरूनी मसला बताता है। लेकिन आज पाकिस्तान की हैवानियत के शिकार बलूचिस्तान के लोग ही करेंगे पाकिस्तान का पर्दाफाश। बलूचिस्तान के बड़े नेता हैं बराहम दग बुगती और पाकिस्तान के बड़े दुश्मन भी। बलूचिस्तान में बुगती के परिवार पर पाकिस्तान ने ऐसा कहर ढाया कि वो अपनी धरती से ही उन्हें रुखसती लेनी पड़ी। शीला रावल ने स्विट्जरलैंड में बुगती को खोज निकाला और जाना उनका दर्द। बुगती ने पाकिस्तान के खौफ की ऐसी दास्तान सुनाई है कि सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नाम बराहम दग बुगती। पाकिस्तान से आजादी की मांग कर रहे बलूचों का सबसे बड़ा और जाना पहचाना नेता बुगती ने पिछले 10 सालों से पाकिस्तान की जमीन पर कदम भी नहीं रखा है, क्योंकि पाकिस्तान बुगती के खून का प्यासा है। पाकिस्तान ने न जाने कितनी बार बुगती को मारने की कोशिश की। एबीपी न्यूज के कैमरे पर बुगती ने सुनाई पाकिस्तान के जुल्म की पूरी कहानी। हम स्कूल नहीं जा सकते थे, घर में थे, हमारे सारे फैमिली घर तक महदूद थे, और क्योंकि वो कुछ भी कर सकते हैं ISI और पाकिस्तानी आर्मी। बलोच रिपब्लिकन पार्टी के अध्यक्ष बराहम दग बुगती का बचपन पाकिस्तानी खौफ के साए में बीता। उस वक्त वो बलूचिस्तान के डेरा बुगती में रहा करते थे। उनके बाबा नवाब अकबर शाहबाज खान बुगती बलूचिस्तान के बुगती कबीले के सरदार थे। पिता की मौत हो जाने की वजह से बराहम दग बुगती का बचपन अपने बाबा के साथ ही बीता। अकबर बुगती पाकिस्तान से बलूचों की आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, इसीलिए वो पाकिस्तानी सरकार के निशाने पर थे। जनरल परवेज की गवर्नमेंट आई, जनरल परवेज मुशर्रफ की, तो उन्होंने ये फैसला किया कि अभी डायरेक्ट अटैक करके जो बलोच मूवमेंट है इसको खत्म करना है वंस फॉर ऑल। एंड माय ग्रैंडफादर वाज लीडिंग द मूवमेंट, तो उन्होंने 17 मार्च को एक अटैक की हमारे घर पर डेरा बुगती में। उन्होंने रॉकेट वगैरह तोप मिसाइल्स इन से हमला किया, और मेरी सिस्टर जो थी वो उनको 2 स्प्लिंटर लगे, एक पैर में और एक हाथ में। बाकी हम निकल गए, हर कोई भाग रहा था, कोई इधर कोई उधर, तो निकल गए। अकबर बुगती इस हमले में तो बच गए, लेकिन 6 महीने बाद ही उन पर दूसरा बड़ा हमला हुआ। बराहम दग बुगती उस वक्त भी अपने बाबा के साथ ही बलूचिस्तान के डेरा बुगती में मौजूद थे। उसी साल 2005 के दिसंबर में फिर अटैक किया हमारे घर पर, सारे रोड सील किए और टेलीफोन लाइंस कट ऑफ कर दिए, और फिर शुरू करते गए। फिर मैं, मेरे ग्रैंडफादर और हम निकल गए बाहर पहाड़ों पर, क्योंकि वो एरिया ही माउंटेनियस था। इसी दौरान एक गुफा में उनके बाबा अकबर बुगती की हत्या कर दी गई। 26 अगस्त 2006 को हुई इस हत्या के बाद बराहम दग बुगती करीब 45 दिनों तक पैदल चलकर अफगानिस्तान पहुंचे। इस दौरान उनकी भी जान लेने की कोशिश की गई। एक बार तो मुझे याद है, मैं रात को मैसेज कर रहा था सिर्फ अपने फैमिली को। मैंने एक सैटेलाइट फ़ोन खोल के मैसेज दी, क्योंकि उन्होंने ऐसे ही एक अफवाह कर दिया कि मैं मारा गया हूँ। तो मैंने सिर्फ उनको एक कॉल की, मेरे ख्याल में 20-30 सेकंड बात की और कहा कि आई एम फाइन। तो उसके बाद जस्ट आई थिंक 45 मिनट बाद जेट्स आए और पूरे उस जगह पर बॉम्बिंग की जहाँ पर मैंने बात की। बलूचिस्तान के लोगों की लड़ाई को जारी रखने के लिए बुगती अपने परिवार को पाकिस्तान में छोड़कर अफगानिस्तान चले गए, तो पाकिस्तान में उनके परिवार को धमकियां दी जाने लगी। मेरी मदर और मेरी वाइफ और बच्चे सब क्वेटा में थे, तो उनको भी काफी टेंशन थी, क्योंकि वो आर्मी वाले फोन करके थ्रेट देते थे, आएंगे पकड़ेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, गालियां, एब्यूजिव लैंग्वेज। मेरी सिस्टर थी बड़ी, वो पाकिस्तान में थी, और 2010 को उनको मारा गया वहाँ पर ISI ने,
और कराची में जब वो अपने घर से निकल के किसी शादी में जा रही थी तो उनको उनकी बेटी के साथ पकड़ा, रोका और गाड़ी से निकाल कर मारा। पाकिस्तान से दूर रहकर भी बुकटी आज बलूचों के संघर्ष की सबसे मजबूत आवाज बन चुके हैं और अब वो चाहते हैं कि भारत उन्हें राजनीतिक शरण दे और पाकिस्तानी जुल्म का शिकार बन रहे बलूचों की मदद करे। जिनीवा से शीला रावल की रिपोर्ट। बलूचिस्तान का एक और बड़ा नाम है मेहरान मर्री। मेहरान संयुक्त राष्ट्र में बलूचिस्तान का मुद्दा जोर शोर से उठा रहे हैं। मर्री के परिवार को भी बलूचिस्तान में नहीं रहने दिया गया। स्विट्जरलैंड के जेनेवा में मर्री के पास एबीपी न्यूज पहुंचा। जो भी खराबी इस रीजन में और दुनिया में वो फैलता पाकिस्तान से। पाकिस्तान एक ऐसा कैंसर है जो इन्फ्लुएंजा जैसे फैल रहा है। ये है बलूचिस्तान के बड़े नेता और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार संगठन में बलूचिस्तान के प्रतिनिधि मेहरान मर्री। अफगानिस्तान के काबुल में पैदा हुए मेहरान के पिता खैर बख्श मर्री बलूचिस्तान के बड़े नेता थे। बलूचिस्तान में बुकटी और मर्री कबीले के लोगों में बरसों पुराना झगड़ा है, लेकिन बलूचिस्तान की आजादी के लिए अब मर्री और बुकटी एक है। उसकी गवाह ये तस्वीरें हैं। बरामदक बुकटी और मेहरान मर्री एक साथ पाकिस्तान के जुल्मों के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में लड़ाई लड़ रहे हैं। मेहरान मर्री बलूचिस्तान में बहुत कम रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के अत्याचारों की कहानी उन्होंने अपने परिवार से सुनी और अब उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। हर मार्शल लॉ जो पाकिस्तान में आया वो सब मरियों के खून के प्यासे थे। हर मार्शल लॉ अयूब खान से लेके भुट्टो से लेके मुशरफ, इन्होंने मिलिट्री ऑपरेशन प्राइमरीली मरीस्तान में शुरू किया और मरी कबीले के लोगों को मारना शुरू किया। 70s में मरियों को हेलीकॉप्टर से फेंकते थे। भुट्टो का पॉलिसी था द एलिमिनेशन ऑफ मरीज। वो कहते थे वन मरी वन प्रॉब्लम, नो मरी नो प्रॉब्लम। पाकिस्तान इज नॉट ओनली अ रोग नेशन दैट इज अफेक्टिंग माई नेशन, वो एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म है, एक्सपोर्टर ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स है, एक्सपोर्टर ऑफ टेररिस्ट है, एक्सपोर्टर ऑफ ड्रग्स है। मतलब जो भी खराबी इस रीजन में और दुनिया में वो फैलता पाकिस्तान से। पाकिस्तान एक ऐसा कैंसर है जो इन्फ्लुएंजा जैसे फैल रहा है। मेहरान बताते हैं कि उन्हें बचपन से बताया गया कि पाकिस्तान दुश्मन है और बड़े होकर उन्हें क्या करना है। हमको भी बचपन से यही तरबियत दिया गया कि पाकिस्तान एक दुश्मन है, पंजाबी एक दुश्मन कौम है, हम मकबूजा मुल्क हैं, हम पे इलीगल ऑक्यूपेशन हुआ है। और हर बच्चे को यही एस्पायर करना चाहिए कि मैं बड़ा होकर अपना क्या रोल अदा कर सकता हूँ इस मुल्क के आज़ादी के लिए। मेहरान मर्री कहते हैं कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान के आतंक के बारे में अब दुनिया जानने लगी है। और मेरे जैसा आदमी जो शायद बहुत कुछ ना कर सकता हो, तो मैंने इंटरनेशनल दुनिया का रुख किया, जिधर मैं खुद ही भी यहाँ बचपन से यहाँ रह रहा था। 2001 से मैं यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन और सब कमीशन होता था, वहाँ आया, यहाँ आया जी जिनीवा में। हम जब यूएन में चलते हैं फिरते हैं, लोग भी बलूचिस्तान इशू को जानते हैं। बलूचिस्तान में पाकिस्तान के जुल्म का मुद्दा भारत भी जोर शोर से उठा रहा है। मेहरान मर्री भी इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। जब से मोदी साहब ने रेड फोर्ट पे ऐलान किया और बलूचिस्तान के हकूक और जुल्मों का एजार किया, तो माशाल्लाह आप इधर देखें, बलूचिस्तान कॉज बीइंग प्रमोटेड ऑन अ डिफरेंट स्केल नाउ। 1948 में पाकिस्तान ने फौज के दम पर बलूचिस्तान पर कब्जा कर लिया था। पाकिस्तान में ये कहां है ये भी समझ लीजिए। पाकिस्तान के चार प्रमुख प्रांत हैं, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनवा और बलूचिस्तान। इसके अलावा फाटा का इलाका है जिसका प्रशासन सीधे पाकिस्तान की केंद्र सरकार के अधीन है। इसके अलावा गिलगित और बलूचिस्तान का इलाका है जिन्हें स्वायत्त प्रदेश कहा जाता है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का पश्चिमी प्रांत है जिसकी राजधानी क्वेटा है। इसकी सीमा एक ओर ईरान से लगती है तो दूसरी तरफ अफगानिस्तान से। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज पर बड़ा खुलासा। बलूचिस्तान में पाकिस्तान का जुल्म बेनकाब। एबीपी न्यूज ने बलूचिस्तान छोड़ने पर मजबूर हुए कई बड़े नेताओं और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को
खोज निकाला है, ये लोग यूरोप में आ रह रहे हैं और बलूचिस्तान की आजादी के लिए लड़ रहे हैं। बलूचिस्तान के नेताओं ने पाकिस्तान के जुल्म की कहानी सुनाई है, खुद पर और परिवार पर पाकिस्तानी फौज के कहर की दास्तान सुनाई है। एबीपी न्यूज ने स्विट्जरलैंड में बुकती और मेहरान मर्री जैसे बड़े नेताओं को खोजा और उन्होंने पाकिस्तान के आतंक की पूरी दास्तान सुनाई। आप देख रहे हैं बलूचिस्तान के नेताओं की जुबानी पाकिस्तान के आतंकवाद की कहानी। बराम दग बुगती और मेहरान मर्री जैसे हजारों लाखों लोग हैं जिन पर पाकिस्तान की फौज लगातार जुल्म सितम कर रही है। कई परिवार पत्नी बच्चों को लेकर आज भी दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। कुछ ऐसे ही लोगों को शीला रावल ने स्विट्जरलैंड में खोज निकाला। नाम शेरवाज बुगती, गांव पेलावाग डेरा बुगती, राज्य बलूचिस्तान, देश पाकिस्तान, पर पाकिस्तान को अपना मुल्क नहीं मानते हैं। मैं मजबूरन अभी भी मजबूरन कोई बोलता है कि वो ये पाकिस्तानी है, हमें अच्छा नहीं लगता। हम ये कहते हैं अभी हम खुद को बलोच कहते हैं, लेकिन बाहर की दुनिया है, दूसरे मुल्क हैं, वो हमें बलोचिस्तानी नहीं मानते। मैं भी एक स्टूडेंट था जो 2005 में हमारे घर में पाकिस्तान आर्मी 3 हेलीकॉप्टर से बमबारी किया गया। वहाँ पे जो इर्द गिर्द में पड़ोसी लोग थे, काफ़ी लोग थे, पूरे एरिया में बमबारी किया गया, वहाँ पे काफ़ी लोग मारे गए। काफ़ी बार हमारे घर पर अटैक हुए, सिर्फ मेरा नहीं, जो भी जितने भी रिफ्यूजी लोग हैं उधर घर घर में अटैक किए हैं, तालिबान के ज़रिए किए हैं, लोगों को पैसा देकर लोगों अटैक किए हैं, और तो छोड़ो बम्बार में खुद कुछ भी भेजा गया है। पहले मेरे घर में अटैक किया, मेरे वालदा और मेरे भाई जो मेरे साथ था उसका बेटी जख्मी हुए। कहीं भी हम जाएं, कोई भी पाकिस्तानी हमें देखें, वो और कुछ नहीं कर सकता, हमें गाली देता है कि ये पाकिस्तान खिलाफ है, लेकिन हम पाकिस्तान के खिलाफ नहीं हैं, हम पाकिस्तानी नहीं हैं। हमें ज़बरदस्ती कोई बोला कि आप पाकिस्तानी हैं तो हम उसके खिलाफ हैं। नाम अब्दुल नवाज बुगती, शहर डेरा बुगती, काम बलोच अधिकारों की लड़ाई। मेरे लिए सबसे बड़ा डर गुलामी है, क्योंकि मैं अपने आप को समझता हूँ कि मैं एक गुलाम हूँ, और मेरे लिए सबसे बड़ा डर है कि मेरा आने वाला जो नस्ल है वो भी गुलाम होगा, और जब तक मैं ज़िंदा हूँ, मेरे मुझे से हज़ारों नौजवान बलोच जिंदा हैं, उनका यही कोशिश होगा कि वो अपने लिए और अपने आने वाली नस्लों के लिए उस डर को ख़त्म करें। जी, बलोच होने का दर्द मैं अच्छी तरह जानता हूँ, क्योंकि मैं इसी दौरान ही, मैं तकरीबन 11 साल का था जब बलूचिस्तान में ऑपरेशन शुरू हुआ, जब हमारे इलाके में बमबारी शुरू हुआ, जो मिलिट्री आई और बम्बार्डमेंट की हमारे स्कूलों को, हमारे घरों को, सब कुछ को तबाह करके वहाँ पे जो कब्ज़ा किया गया और हमें मजबूर किया गया कि हम वहाँ से निकलें और अपनी जान बचाने के लिए दूसरे हिस्सों में जाएं, और जब तक हम वहाँ से भागते गए तब तक हमें निशाना बनाते गए। नाम जमाल खान, घर जाफराबाद, अब घर नहीं रहा क्योंकि पाकिस्तानी सेना ने घर में आग लगा दी। तो मैंने बलूचिस्तान छोड़ा था 2012 में, कि एक सुबह के वक्त था, वहाँ पे पाकिस्तान की आर्मी हेलीकॉप्टरों और नीचे ज़मीन गाड़ियों के साथ हमारे घर आए थे। हम लोग झाड़ियों में छुप गए, तो वहाँ के आ गए घर में, सारे जो चीज़ थे वो कुछ निकाला कुछ नहीं निकाला, वो झुपड़ी थे, सबको आग लगा दिया। मेरी जो दादी था वो तकरीबन 80 साल का था, वो एक झोपड़ी में रह रहा था, तो भाग नहीं सका, वो झुपड़ी से निकल नहीं सका, तो वहाँ पे जल गया। नाम काल बख्श बुगती, शहर डेरा बुगती, काम बलोचों की आजादी की लड़ाई। बहुत ही घटन होती है यहाँ पे, हम
हर दिन उन्हीं के बारे में सोचते हैं, फिर कैसे रहेंगे अफगानिस्तान में अगर यहाँ बैरून मुल्क होते तो सेफ होते, लेकिन वहाँ पे भी हर रोज़ वो खौफ के साए में जी रहे हैं। तो कोशिश करते हैं कि उनसे रब्ता करें या उनके हालात पूछें। जो हम यहाँ पे भी हम लोग यूरोप में रह रहे हैं, लेकिन हर रोज़ हम दर्द के साथ जी रहे हैं, क्योंकि अपने परिवार से अपने घर वालों से सबसे जुदा हैं, लेकिन तहरीक के लिए निकले हुए हैं तो चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी, तो बस जी रहे हैं। पाकिस्तान में ही जन्मे मशहूर लेखक तारिक फतेह भी बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। तारिक फतेह भी इस वक्त स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। नाम तारिक फतेह, जन्म स्थान कराची, देश पाकिस्तान, पर पाकिस्तान को अपना देश नहीं मानते। लड़ाई पाकिस्तानियों के जुल्म के खिलाफ। बलोच आबादी को 10 मिलियन आबादी है और मुल्क इतना बड़ा है, समझिए फ्रांस या पोलैंड जैसा। हर शख्स की जबान बदली जा रही है। जहाँ जहाँ हाईवेज बना रहे हैं ताकि चीन अपनी जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करनी है ग्वादर पोर्ट से, उसे 50-50 मील दोनों साइड पे जो आबादियाँ उनको उखाड़ के फेंक रहे हैं आप कहाँ तक ये बर्दाश्त करेंगे कि एक पूरी कल्चरल जेनोसाइड हो किसी सहाफत का, किसी कल्चर का, किसी जबान का, किसी का उठना बैठने का, और फिर वो भी आप करें इस्लाम के नाम पर कि तुम हम बेहतर हैं क्योंकि वहां पर एटम बम है और हम तुम्हारी, और इन्हीं की जमीन पे एटम बम टेस्टिंग भी की। भारत भी बलूचिस्तान में मानवाधिकार उल्लंघन के मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में उठा चुका है। बलूचिस्तान पर भारत का रुख यह है कि पाकिस्तान को पहले अपने घर में मचे घमासान को संभालना चाहिए, न कि उसे भारत के अभिन्न अंग कश्मीर की चिंता करनी चाहिए।